नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन तो टूट गया, नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार दी और एनडीए में शामिल हो गए, लेकिन बिहार की राजनीति अभी थमी नहीं है। एक बार फिर से चिराग पासवान को लेकर कयासों का बाजार दौड़ रहा है कि जल्द ही चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से रिश्ता तोड़ देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद जो सबसे ज्यादा अगर कोई नेता नाराज है, अप्रत्यक्ष रूप से भले ही वो उन्होंने दिखाया ना हो, लेकिन वो है रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति चिराग पासवान। पहले उनका वीडियो दिखाते हैं जिसमें चिराग पासवान ने आज क्या कुछ कहा है। भाई, अब कौन थके हुए थे, कौन नहीं थे, कौन किससे काम करवा पाया नहीं करवा पाया, ज्यादा समय नहीं है, चुनाव अब लगभग सर पर ही है। इन तमाम बातों का आकलन इन चुनाव में हो जाएगा। जनता से बड़ा तो और कोई नहीं है इन बातों का फैसला लेने के लिए। तो जब हम लोग चुनाव की दहलीज पर हैं तो कौन थके हुए हैं, किसने कार्य किया, किसने कार्य नहीं किया, 17 साल में क्या हुआ, 17 महीने में क्या हुआ, 35 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इन तमाम बातों का आकलन जनता के द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी और परिणाम भी जल्द सामने आ ही जाएगा। बताते चले कि जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर खबरें आ रही है कि सीट शेयरिंग पे अगर फॉर्मूला नहीं बैठता है, अगर सीट शेयरिंग पे मुद्दा नहीं सुलझता है, तो चिराग पासवान अकेले बिहार के 23 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। दरअसल चिराग पासवान चाहते हैं कि करीब 10 से 15 उनको सीटें मिले। वहीं अब नीतीश कुमार के आने के बाद चिराग पासवान के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार ने राज्य के 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ तो ले ली है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं, लेकिन अब इसमें कई पहल नजर आते हैं। बताते चले कि एनडीए में इस वक्त बिहार में 6 पार्टियां हैं और 6 पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर भी एक बड़ी चुनौती है बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी प्रमुख पार्टियों में से एक है। एनडीए में जो दल है उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही है, लेकिन देखना होगा आने वाले समय में क्या चिराग पासवान कुछ बड़ा फेर बदल करते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अंदाजा यही लगा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नई आवाज के साथ।